नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बेहतरीन शेयर के बारे में जो आईटी सेक्टर के बेहतरीन शेयर है जिसमें हर गिरावट में आपको बाय करने चाहिए। दोस्तों अभी मार्केट काफ़ी अप है, मार्केट में काफ़ी तेजी आ चुकी है, मार्केट हमारा 12,000 के आसपास है निफ्टी। तो ऐसे में आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और इन स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसमें आपको गिरावट में खरीदारी जरूर करनी चाहिए अगर आपको कभी भी गिरावट में ये सारे स्टॉक्स मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन्फोसिस, जब विशाल ग्लोबल का में मतलब केस आया था तो उस समय ये स्टॉक्स मात्र आपको 600 के आसपास मिलता था और अभी देख सकते हैं आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है 1127 रुपीज। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम इस स्टॉक में आ चुका है। अगर बात करें गिरावट का, जो मार्च में पैंडमिक में गिरावट था उस समय ये स्टॉक्स मात्र आपको 500 रुपीज में मिल रहा था, देख सकते हैं 526 रुपीज 23 मार्च को, तो इसके आसपास ये स्टॉक्स मिल रहा था उस समय। अभी 500 रुपीज का स्टॉक्स आप देख सकते हैं कि 1127 रुपीज जा चुका है। दोस्तों ये तो 1200 के आसपास जा चुका था, अभी कुछ एक दो दिन में आपको करेक्शन देखने मिल रहा है, इसलिए आपको स्टॉक्स थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा करेक्शन इसमें आया है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा कम प्राइस में मिल रहा है, नहीं तो ये 1200 के आसपास ये स्टॉक्स हो चुका था। तो दोस्तों ये स्टॉक जब भी गिरावट में मिले जरूर बाय करने चाहिए। अगर देखिए लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, काफ़ी बेहतरीन चार्ट है और जब भी ये स्टॉक्स मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है। ऐसे स्टॉक आप जरूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से बाय करें, जब भी आपको गिरावट में मिले जरूर बाय कीजिए। दूसरा स्टॉक से हमारा TCS आईटी सेक्टर का दूसरा बेहतरीन स्टॉक्स, पहला हम इंफोसिस को मानते हैं, ऐसे सबसे बड़ी कंपनी हमारा वह है TCS, लेकिन सबसे अच्छा जो स्टॉक है वो है इंफोसिस, उसके बाद आता है TCS, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक, ये भी मात्र 1500-1600 रुपीज का स्टॉक्स था जब पैंडमिक के कारण गिरावट आया था। वहां से देखते हैं पैंडमिक की गिरावट में मात्र 1600 रुपीज 1500 रुपीज का स्टॉक्स अभी जा चुका है 2700 पर। तो दोस्तों काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, इस स्टॉक में भी जब भी गिरावट आती है तो आपको बाय करनी चाहिए। तो देखते हैं इसका भी चार्ट काफी स्ट्रांग है, तो काफी ज्यादा मोमेंटम इसमें आगे आपको देखने मिल सकता है। ये भी लॉन्ग टर्म में देखिएगा काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है, देख सकते हैं कि 2004 से 2020 तक में 2156% का रिटर्न दिया है अभी तक इन्वेस्टर को। उसके बाद तीसरा जो स्टॉक है जो कि इस सेक्टर से काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है वो है SCL टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसका जो हमारा इंडियन मार्केट है और जो आसपास की कंट्रीज है उस पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। ये भी स्टॉक्स का मात्र 400 रुपीज़ का हुआ करता था पैंडेमिक में और अभी देखते हैं 846 रुपीज़ का, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको ये देखिए 405 रुपीज़। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देंगे और आईटी सेक्टर पे जो पैंडेमिक है या कोई भी सिचुएशन उसका कोई असर नहीं होने वाला है। तो ये स्टॉक जब भी गिरावट में मिले तो ज़रूर आपको बाय करनी चाहिए, ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो उस समय आप इसमें बाय कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा वो है NIT टेक्नोलॉजी, जिसका नाम आप बदल करके आप देख सकते हैं को फॉर्ज रख दिया गया है, कोफॉर्ज लिमिटेड। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, पहले NIT टेक था इसका नाम और ये एक मतलब कहिए मिड कैप कंपनी है, पहले स्मॉल कैप कंपनी हुई करती थी और ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, ये पैंडमिक है मात्र 1000 रुपीज का स्टॉक्स था और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो जर्नी है वो हो चुका है 2531 रुपीज का। तो दोस्तों ये चार बेहतरीन स्टॉक्स है आईटी सेक्टर से, इसमें से कोई भी दो स्टॉक आप चूज कर सकते हैं, जैसे इन्फोसिस HCL टेक चूज कर लिए तो इस दो स्टॉक में आपको गिरावट में SIP करनी है, तो SIP के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है जैसे इन्फोसिस हो गया, SCL टेक हो गया, ये दोनों स्टॉक ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है जो कि आगे चल करके आपको ज़्यादा बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, तो ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। उसके बाद जो ये हमारा कोफॉर्ज है मतलब NIT टेक्नोलॉजी है, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है, यहाँ से देख लीजिए 2004 से लेकर अभी तक में 2147% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है ये सारे स्टॉक्स, तो जब भी गिरावट मिलता है तो आप जरूर इन्वेस्ट करें, आपको परसेंटेज में रिटर्न काफी कम दिख रहा है लेकिन ये दोस्तों डिविडेंड काफी अच्छा देता है ये चारों स्टॉक, साथ ही साथ बोनस शेयर आपको रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पर देता है। तो दोस्तों इन्फोसिस विप्रो के बाद सबसे ज्यादा मतलब बोनस शेयर देने वाली कंपनी में से एक है, उसके बाद हमारा SCL टेक आपको रेगुलर इंटरवल पर बोनस देता है, स्टॉक स्प्लिट देता है और अच्छा खासा डिविडेंड देता है, देखिए इसका 1.22
2% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि स्टॉक का प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है। SLTech का 1.18%, TCS का देखिए 1.47%, इन्फोसिस देखिए 1.91। जब ये 500 रुपये का स्टॉक था तो इसका डिविडेंड यील्ड 5% था। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन सब स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं जब भी गिरावट में, तो ज़रूर बाय करना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब के बगल के बेल आइकन दबा लीजिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।